मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा कमाना सबसे आसान काम है, जिस पर मुझे बहुत सारी गालियाँ भी पड़ती हैं सोशल मीडिया पे। लोग कहते हैं कि यार हमसे एक रुपया नहीं कमाया जाता, आप कहते हैं बहुत आसान। यार अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, जॉब से ठीक ठाक पैसा कमाया, फिर उसके बाद एज अ फ्रीलांसर ठीक ठाक पैसा कमाया और बिजनेसेस के जरिए तो उन्होंने ठीक ठाक कर्म किए। तो मसला ये होता है कि हमारा माइंडसेट नहीं होता। दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, एक माइंडसेट और दूसरा एफर्ट, हार्डवर्क चाहिए होता है। यानी अगर आप टारगेट बना लो, फर्स्ट में पाकिस्तान के लिहाज से मैं कहता हूँ कि यार 1 लाख तो कमाना चाहिए हर नौजवान को। अगर आप टारगेट बना लो कि 6 महीने तक मैंने जान मारनी है और उससे जो भी मैंने मेहनत करनी है, जो भी मैंने कोशिश करनी है, जो भी मैंने बिजनेस फ्रीलांसिंग जो भी काम करना, मैंने पीछे नहीं हटना जब तक मैं अपना टारगेट पूरा नहीं करता, तो आप लाजमी कमाओगे। देखिए होता क्या कि हिम्मत आ जाते हैं, नौजवान एक चीज़ शुरू की, हफ्ते बाद रिजल्ट निकला, उन्होंने कहा ये नहीं होना। तो आप लोगों ने अगर कमाना है, पहला टारगेट है 1 लाख, फिर 10 लाख तक जाओ, फिर 50 लाख तक जाओ, 1 करोड़ तक जाओ। लोगों को ये बातें यकीन नहीं आती कि जब मैं ये बातें कहता हूँ, यार कमा रहे हैं करोड़ों, मैं खुद कमा रहा हूँ, बेशुमार मेरे पार्टनर हैं, दोस्त यार हैं, वो कमा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है 1 लाख का, वो आप कैसे पहुँचोगे? ऑनलाइन दुनिया आजकल, आप फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, यूट्यूब, आप डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कोई भी आप बिजनेस पकड़ लो, उसको सही तरह से आप सीखोगे, 1 महीना भी नहीं लगता। उसमें सीख के आप जान मारनी है। फ्रीलांसिंग का भी जाके देखो, फाइवर पे लोग अपने पैसे कमा रहे हैं। तो हिम्मत अगर ना हारो, 6 महीने का टारगेट बनाओ तो आप लाजमी हासिल कर सकते हो, लेकिन माइंडसेट आज से चेंज करो कि मैंने 1 लाख पे पहुंचना, उसका टारगेट बनाओ 6 महीने का, और वहां रुकना नहीं। जब 1 लाख कमाना शुरू हो जाते हो अगला टारगेट बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं यार पैसा पैसा करते रहते हो। यार पैसे का ही तो मसला है इस वक्त पाकिस्तान में, यानी गुर्बत है, वही तो मसला है। जब तक उससे निकलोगे नहीं, उस वक्त तक दिमाग नहीं खुलेगा, उस वक्त तक ना दूसरों के लिए कुछ कर सकोगे, ना अपने लिए, ना अपनी फैमिली के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज से सबसे पहले प्लान बनाओ, उसमें दो चीजें याद रखनी है, चाहे फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब है, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन कोई भी बिजनेस है, पहले देख लो कि आपकी जो स्किल के मुताबिक आपको क्या सूट करता है, वो एक फील्ड पिक करो, उसको 1 महीना सीखो, फिर उस पर आपने जान मारनी है, तो इंशाल्लाह आपको लाजमी कामयाबी हासिल होगी। फिर आपने कोशिश ये करनी है कि 1 लाख से ऊपर भी जाओ और यही बाकियों को भी सिखाना शुरू कर दो। हमारा मसला ये है कि हम किसी चीज़ से पैसा कमा लेते हैं तो हमें ये होता है कि यार किसी और को ना पता चले, शायद थोड़ा सा पैसा है उसी में से निकल के जो है ना हमारा काम हो जाना है। हालांकि अल्लाह का निज़ाम जो है बड़ा डिफरेंट है। जितना मैं सिखाता हूँ, जितना मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं कैसे पैसा कमाता हूँ, उतना ज़्यादा अल्लाह मुझे देता है। तो आपने भी यही करना है, खुद सीखो, आज से प्लान बनाओ और कमाना शुरू करो। ये सारी जो फील्ड में बताता हूँ, इसमें हम फ्री ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल पर पूरी की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। बेशुमार लोग हैं, शाम सर्वर को देखो, अगर आपने फ्री लांसिंग करनी है, सारा का सारा खुद वो फ्री में सिखा रहा है। आप ई कॉमर्स का पूरा कोर्स, चाहे दराज है, चाहे अमेजन है, सब कुछ यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग को ऑन करना है। लड़कियों शड़कियों के चक्कर में ठीक है, थोड़ा सा टाइम उधर गुजारो, लेकिन मेन टाइम आपने देना है कमाने के चक्कर को। आज से ये तहैया करो तो इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर 1 लाख कमा रहे होगे। फिर मैं आपको अगला बताऊंगा कि 10 लाख कैसे कमाना। थैंक यू वेरी मच।